यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई है, आप नोट कर लीजिए। टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ 2×10⁻¹ कूलम, 2×10⁻¹ कूलम एंड ए मास ऑफ 100 ग्राम। 100 ग्राम को मैंने यहां पे केजी में कन्वर्ट कर दिया। आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाई टू इंसुलेटेड स्ट्रिंग्स ईच 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये आपके पास टू बार्स कौन कौन से सस्पेंड किया है, स्ट्रिंग की लेंथ 50 सेंटीमीटर आपके पास गिवेन है। द बार्स आर हेल्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर ए पार्ट। क्वेश्चन में आपके पास दिया है ये टू बार्स हैं, इनको फोर्सली 5 सेंटीमीटर मेंटेन किया। इसका मतलब जब फोर्सली इसको 5 सेंटीमीटर मेंटेन किया तो इस समय यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेट हेल्डिंग पोजीशन पर इक्विलिब्रियम मेंटेन है। फिर कहते हैं क्वेश्चन में आपके पास दिया द बार्स आर हेल्ड एट द सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर ए पार्ट एंड देन रिलीज्ड एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर रिलीज फाइंड। अब देखिए पहले हम ये आपको बता दें क्वेश्चन पूछने से पहले कि पहले हमने इसको हेल्ड मेंटेन किया था, इक्विलिब्रियम मेंटेन था। जैसे मैंने इसको ग्रिपिंग फोर्स हेल्डिंग फोर्स रिमूव कर देंगे तो क्या इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा? तो इनकी क्वेश्चन की डिमांड क्या है, जस्ट आफ्टर रिलीज मीन हेल्डिंग फोर्स आप रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और जस्ट आफ्टर रिलीज इस समय इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, जिस मोमेंट पे इसको हम रिलीज करेंगे, आप हेल्ड किए उस समय इसकी वेलोसिटी स्पीड कितनी है, जीरो। जैसी रिलीज करें तो जीरो वेलोसिटी से ये स्टार्ट होगा, एक फोर्स रहेगा और फोर्स के थ्रू मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं एट द इंस्टेंट ऑफ जस्ट आफ्टर रिलीज फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल आइदर दिस और दिस पे। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता करना है, आपको कैलकुलेट करना पार्ट सेकंड पार्ट इसका कंपोनेंट और रिलेटेड फोर्स अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसका थर्ड पार्ट कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द चार्ज बॉल, इस चार्ज वाल का एक्सेलरेशन भी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में आपको टेंशन चाहिए। ये सारी कैलकुलेशन किस समय करनी, जस्ट आफ्टर रिलीज। तो जस्ट जैसे हम रिलीज करेंगे तो उस समय इसमें एक अनबैलेंसिंग फोर्स डेवलप होगी, लेकिन कंडीशन क्या है, इसकी स्पीड जीरो होगी। अब यहां से देखिए जैसे मैंने इसको रिलीज किया इस पॉइंट के थ्रू इसकी कौन कौन से सस्पेंशन था, तो इसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रिंग आपके पास टाइट है, पाथ कैसे एक सर्कुलर मोशन ये ट्रेस करेगा। इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के रेस्पेक्ट में इसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम किसकी हो गई, सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो जब इसका मतलब सर्कुलर मोशन के मुझे कुछ बेसिक्स आना चाहिए, तो हम थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का बेसिक्स आपको रिविजन कराते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस आर, ये सेंटर ऑफ सर्कल। सपोज कीजिए यदि यहाँ पर आपके पास एक पार्टिकल है और इस समय इसकी स्पीड वी है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो स्पीड आपके पास दे रखी है, पार्टिकल आपके पास सर्कुलर मोशन ट्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर कितने पैरामीटर हो सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं, इसको कहते हैं ये टेंजेंट डायरेक्शन टी कैप, और इस डायरेक्शन में इसको कहते हैं आपके पास सेंट्रिपेटल डायरेक्शन या रेडियल डायरेक्शन या नॉर्मल डायरेक्शन एन कैप, टी कैप एंड एन कैप। तो हमारे पास ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल है,
इसके इस पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, एक सेंट्रिपेटल कंपोनेंट होता है, दूसरा टेंडेंशियल कंपोनेंट होता है। तो सेंट्रिपेटल कंपोनेंट हमारे पास डिफाइंड होता है एसी दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रिपेटल कंपोनेंट, और टेंडेंशियल कंपोनेंट कितना होता है एटी इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी स्पीड का रेट ऑफ चेंज। इसके पास टू कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं इस पार्टिकल के पास, और जब हमारे पास सेंट्रिपेटल और टेंजेंशियल का एक्सप्रेशन है तो इनके रेस्पेक्ट में न्यूटन्स का लॉ भी अप्लाई करते हैं, सिग्मा एफ सी दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए सी एंड सिग्मा एफ टी एम इंटू ए टी, ये इक्वेशंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन पे है, इसके पास टू कंपोनेंट है, ये दोनों डायरेक्शन कैसे होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होती है, कंपोनेंट फॉर्मेट है, न्यूटन का सेकंड लॉ इस पार्टिकल पर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के हमारे पास जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें ये मालूम हो गया इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के रेस्पेक्ट में दिस चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा, ये श्योर हो गया। तो इसका लो हमारे पास इसकी जो डायनेमिक्स है तो सर्कुलर मोशन के लिए हमें डिस्कस करनी होगी, ठीक है। तो हम अब हम इसको यूज करते हैं, ये जितनी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ बताई आपको क्या दिया है जस्ट आफ्टर रिलीज, तो जस्ट आफ्टर रिलीज पर इसके पास स्पीड कितनी होगी v इक्वल टू जीरो। यदि स्पीड जीरो है इसका मतलब है हमारे पास सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन ac इक्वल टू कितना होता है v स्क्वायर अपॉन r। यदि आपके पास v जीरो है तो सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन कितना हो गया जीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट आप देखो कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या होना चाहिए था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पार्ट नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे कितने काम करेंगे। देखिए हम चार पार्टिकल है, इसका एफबीडी कंप्लीट करते हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी, दूसरा इसके पास कौन सा फोर्स आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सपोज दैट मैं इसको एफ से मार्क कर दिया, तो यहां पर एफ की वैल्यू कितनी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू, दिस एफ इज इक्वल टू हमें इसकी न्यूमेरिकल फॉर्मेट चाहिए 9.0 इंटू 10^9 इंटू Q1 Q2 दोनों की वैल्यू सेम है, इसका इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10^-14 डिवाइडेड बाई सेपरेशन स्क्वायर 25 इंटू 10^-4 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसकी वैल्यू आ रही है 0.144 न्यूटन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको मिल गया इस चार्ज बॉल पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हमने इसको एफ से नोट किया है। सेकेंड पार्ट आपके पास क्या था कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। इसका हमारे पास टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक अलोंग द डायरेक्शन है और दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो आपके पास टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपको मार्क करनी होगी। एक आपके पास स्ट्रिंग के अलोंग की डायरेक्शन और दूसरी आपकी टेंजेंशियल डायरेक्शन। टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपने मार्क कर लिया, आपको फोर्स रिजॉल्व कीजिए। फोर्स रिजॉल्व करने से पहले आपके पास हम डायरेक्ट बता दें आपके पास ये सेंट्रिपेटल डायरेक्शन है, ये आपके पास टेंडेंशियल डायरेक्शन है। सेंट्रिपेटल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन कितना है जीरो, हमें क्या मालूम है एज सिग्मा एफ सी इज इक्वल टू एम इंटू ए सी, सेंट्रिपेटल का एक्सीलरेशन आपके पास जीरो है तो नेट फोर्स कितना हो गया, तो सेंट्रिपेटल डायरेक्शन के जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है जीरो फोर्स आ रहा है। अब मुझे कैलकुलेट करना है टेंजेंशियल डायरेक्शन का, क्योंकि हमें सेंट्रिपेटल का जब डायरेक्ट एक्सीलरेशन मालूम था तो हमें इवन फोर्सेस की एक्चुअल वैल्यू की भी जरूरत नहीं थी, हमने यहाँ के न्यूटन का सेकंड लॉ सेंट्रिपेटल डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो तो फोर्स आपके पास जीरो हो गया। अब देखिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में मुझे एक्सीलरेशन नहीं मालूम है, इसका मतलब है कंपोनेंट थ्योरी यूज करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो हमारे पास कितने फोर्सेज हैं, एक स्ट्रिंग पर यहाँ पर टेंशन, एक एम जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सपोज है दिस एंगल थीटा और दिस एंगल भी थीटा, एक कंपोनेंट इस साइड में कितना होगा
एम जी कॉस ऑफ थीटा, इस साइड का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, दिस फोर्स आपका रिजॉल्व हुआ। एफ इस साइड में इसका कंपोनेंट एफ कॉस ऑफ थीटा, इस साइड कंपोनेंट एफ साइन ऑफ थीटा, आपने रिजॉल्व किया, फोर्सेज रिजॉल्व हो गए। आप देख रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सटेंशन मालूम नहीं है, तो न्यूटन्स लॉ के थ्रू डायरेक्ट आप फोर्स कंपोनेंट फोर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब है हमारे पास नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, इसका थर्ड पार्ट सॉरी सेकंड पार्ट में ही सिग्मा एफ सी तो आपके पास जीरो हो गया, अब मुझे चाहिए एन सिग्मा एफ टी टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट आपके पास कितना होगा, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, दिस एफ cos of theta minus mg sin of theta। आप देख रहे हैं यहां से theta की वैल्यू चेक करते हैं, theta की वैल्यू कितनी है, this separation कितना 5 है, ये वैल्यू कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, this value 50, तो यहां से हम sin theta कैलकुलेट कर सकते हैं, sin theta की वैल्यू sin theta equal to 2.5 upon 50, इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है 1/20, दिस इज इक्वल टू 0.05। आप देख रहे हैं कि बहुत स्मॉल वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है आप थीटा कैसा है, स्मॉल है, और जब थीटा स्मॉल है तो इसकी प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू तो आपको पता चल गई, एंगल हम स्मॉल ट्रीट कर रहे हैं, और स्मॉल एंगल के लिए कॉस की वैल्यू, जैसे कॉस टू इक्वल टू कितना होता है 1, यदि हम थीटा वेरी स्मॉल ट्रीट कर लें तो कॉस की वैल्यू कैसी वेरी वेरी क्लोज टू 1 हो जाएगी, तो हम इसका रिजल्ट अप्रोक्सीमेशन में यूज कर रहे हैं, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैलकुलेटर यूज करके इसको फाइनल एग्जैक्ट आंसर निकाल दीजिए, यहाँ से आप थीटा कैलकुलेट कर लेंगे और थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, कॉस की वैल्यू आ जाएगी और साइन की वैल्यू आपको मालूम है। आप देख रहे हैं कि एफ की वैल्यू कितनी है, दिस एफ इक्वल टू 0.144, हमने अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस एम की वैल्यू कितनी मालूम है 0.1 इंटू 10 इंटू साइन थीटा 0.05, आपके पास फाइनल रिजल्ट कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 0.144 माइनस यहां से 1 हो जाएगा 0.05, फाइनल आंसर आप देख लीजिए यहां से कितना आएगा 0.094, इतनी वैल्यू आपको कैलकुलेट हो गई, क्लियर हो गया। तो आपने देखा कि सेंट्रिपेटल डायरेक्शन का नेट फोर्स कितना है, 0 है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक नेट फोर्स मिला है कंपोनेंट के थ्रू, तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि जो भी आपके पास डायमेंशन गिवन थी, फोर्सेज गिवन थे, मैंने सारे फोर्स को रिजॉल्व कर दिया। अब आपके पास स्टेप है थर्ड पार्ट, क्या चाहिए था, रिजल्टेंट एक्सटेंशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। आपने देखा कि एक्सटेंशन के कितने कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं, एक सेंट्रल कंपोनेंट, दूसरा आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट, सेंट्रल कंपोनेंट आपके पास 0 है, इसका मतलब है टोटल कंपोनेंट कहां पर रहेगा, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वही सेम आपका रिजल्टेंट एक्सटेंशन की इक्वल हो जाएगा। टेंजेंशियल फोर्स आपने पता कर लिया, इसका मतलब है हम यहां से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं सिग्मा एफ टी, दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए टी। आप देख रहे हैं यहां से दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट, दिस इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स 0.094, मास की वैल्यू कितनी 0.1, दिस इज इक्वल टू 0.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना आपके पास एक्सीलरेशन हो गया, और यही सेम एक्सीलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल एक्सीलरेशन, टोटल एक्सीलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब आपके पास नेक्स्ट रिजल्ट हमें क्या चाहिए, टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या फोर्स मेथड यूज कर लें, इस डायरेक्शन में हमें नेट फोर्स कितना मालूम है, इस डायरेक्शन पर नेट फोर्स 0 है, तो टेंशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने ये कौन सा पार्ट हो गया था, थर्ड पार्ट, आपने एक्सीलरेशन कैलकुलेट किया, फोर्थ पार्ट
फोर्थ पार्ट में आपको टेंशन चाहिए। इस डायरेक्शन में पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब दिस टी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, दिस प्लस दिस, टी इज इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ थीटा प्लस एफ साइन ऑफ थीटा। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपने एम मालूम है, जी कॉस थीटा की वैल्यू क्लोज टू, इस कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्लोज टू जीरो ट्रीट कर लेंगे, इसकी वैल्यू वन सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन थीटा मालूम है और एफ की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सके। इसका आपने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ सर्कुलर मोशन भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कूलम्स के लॉ स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद मैकेनिक्स आपकी स्टार्ट हो जाती है, एफडी प्रॉब्लम के साथ कुछ ना कुछ मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो गई।